सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल्ली एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। स्टेप वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आज 29 हो गया, मेल अभी तक नहीं आ पाया। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज गया हुआ था और कॉलेज में सारी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि अब एडमिशन प्रक्रिया आपको पूरी तरीके से समझ आ पाए। तो चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एडमिशन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की साइट पर 10 या 10:30 बजे करीब में अपलोड हुआ था। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन शेड्यूल फॉर यूजी कोर्सेज। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए जो है ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज होने वाले हैं, क्या डिप्लोमा कोर्स का नहीं हुआ है? तो देखिए, ऐसा नहीं, अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जो है डिप्लोमा कोर्स की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूजी कोर्स के लिए, तो इसको हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड जैसे आप लोग करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास ये नोटिफिकेशन शो होकर आएगा। नोटिफिकेशन क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा स्क्रीन पे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ठीक वैसे वैसे ही करनी है। गलती आपको बिल्कुल कोई भी नहीं करनी है। काउंसलिंग जो है दोस्तों किस तरीके से हो रहा है इस बार का, वो आप लोग सारी सारी इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है जी। तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग है, आपको कॉलेज विजिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसा अगर सोच रहे हो कि आपको कॉलेज विजिट करना है, तो आपको कॉलेज विजिट बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको कॉलेज जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस डिप्सरू स्टार्ट फ्रॉम 29 अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, समझिएगा पहले आप लोग इस चीज़ को कि कौन कौन से लोग इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे चार डेट यहाँ पे मेंशन है, क्या है 29, 30, 31 और 5, ठीक है जी। इतना चीज़ आप लोग देख पा रहे होगे, समझिएगा बात को ज़रा, ये क्या कह रहे हैं 29 के दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, आप लोग अपने साइट पे देख पा रहे हो दोस्तों, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेरीफाइड ऑप्शन आ रहा है, मैं वहाँ पे जाकर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब आप लोग के साइट पे कुछ इस तरीके का अगर वेरीफाइड शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड शो हो रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। ये काफ़ी पहले शो हो रहा था, तो मैंने कॉलेज में इस चीज़ को पता किया है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि वेरीफाइड जो अगर हो रखा है उनके पास किसी तरीके का मेल नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उन्हीं लोग पास मेल जाएगा जिनका कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा था, ठीक है जी। तो जितने भी लोगों का पेंडिंग जा रखा है उनमें भी सभी लोगों को मेल नहीं आएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट को पहले राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया गया है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड किए कौन से रैंक से लेकर के और कौन से रैंक तक के बच्चों को पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराना था, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड किए, वो उन्होंने किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं किया है। तो जिन भी बच्चों के आप लोग समझ लीजिए रैंक अच्छा खासा था और उनका अगर डॉक्यूमेंट यहाँ वेरीफाइड दिखा रहा है, तो उनको अब डायरेक्टली दोस्तों फीस का लिंक आएगा, क्या आएगा फीस का लिंक आएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, जिन भी बच्चों के अच्छे खासे नंबर थे, ठीक है जी, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि कौन कौन से बच्चों को जो है एडमिशन मिल सकता है, मैंने एक कट ऑफ एनालिसिस किया था, तो मेरा कट ऑफ एनालिसिस बिल्कुल सही होने वाला है इसमें, उन बच्चों को जो है दोस्तों कल शाम 5 बजे तक लिंक आ जाएगी फीस की। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों का काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो ठीक और ठीक दोस्तों यही है, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको किसी भी तरीके का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, यहाँ पे ये मतलब हुआ। अब देखिए मैं इसे कहाँ लिखा हुआ है ऐसा मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो पाए। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लिंक आ जाएगा फीस का, कौन कौन से बच्चों को लिंक आएगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन अलाटमेंट ऑफ सीट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ऑनलाइन अलाटमेंट ऑफ सीट। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी किसको किसको सीट मिलना है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो ऑनलाइन अलाटमेंट ऑफ द सीट आपको अलाटमेंट लेटर जो है दोस्तों एक शो होगा। अब अलाटमेंट लेटर आपके डैशबोर्ड पर भी शो हो सकता है या तो आपके पास ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको 31 को फीस पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन फीस सबमिशन। ये मैं उन कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड दिखा रहा है और जिनका रैंक बहुत अच्छा खासा है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप लोग ऑनलाइन फीस कर लोगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिकाउंसिलेशन फॉर द वैकेंट सीट, मतलब कहने का क्या है कि आप लोग 31 तक देख पा रहे हो, 31 तक जो है जितनी भी सीटें भरनी होंगी वो भर जाएंगी, उसके बाद से रिकाउंसिलेशन ऑफ द वैकेंट सीट, उसका वैकेंट सीट पर जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए आप लोग
कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने पहले कहा था कि सबसे पहले लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जो है दोस्तों दिल्ली की काउंसलिंग होती है, लेकिन इस बार जो है दोस्तों बिल्कुल पूरा का पूरा उल्टा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑल यूजी एंड सर्टिफिकेट कोर्स है, जितने भी यूजी कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स है, और साथ साथ बी फार्मा डी फार्मा, ठीक है जी, वो सारे के सारे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा के मात्र दो ही कोर्स चलते हैं, डीएमएलटी चलते हैं और डी फार्मा चलते हैं, उनकी भी जो तो काउंसलिंग है दोस्तों वो इसी में कल ही की डेट में आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए दिल्ली एंड नॉन दिल्ली आल जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी, मतलब क्या है कि सभी जनरल और जितने भी रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी एसटी ओबीसी डिफेंस, सभी के पास दोस्तों मेल जो है वो उन्हीं बच्चों को जाएगी जिनका कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन पेंडिंग हुआ है, जिनका स्टेटस कंप्लीट है, उनको डायरेक्ट कल अलॉटमेंट लेटर जाएगा, कल यानी कि आपको जैसा कि मैंने बताया कि 30 तारीख को अलॉटमेंट लेटर जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। अब जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लेटरल एंट्री ले रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों सेम ही प्रोसीजर है, उनकी जो मेल है दोस्तों वो कल ही जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन अलॉटमेंट जो सीट है अलॉटमेंट लेटर वो कल ही जाएगी उनके पास, कल ही उनको पता चलेगा कि उनको सीट मिला है कि नहीं मिला है। चलिए आप लोग ये चीज़ समझ गए होगे आशा करता हूँ मैं अच्छे से। अब नीचे जैसे आप लोग आओगे तो इसको जब आप लोग थोड़ा सा जब इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे जैसा मैंने आपको पहले बताया है ठीक वैसे ही पूरा पूरा इसमें प्रोसीजर समझा रखा है, समझिएगा जरा एक बार और इस चीज़ को। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, ठीक है जी, चलो इतना तो क्लियर है, जनरल इंस्ट्रक्शन ये लोग दे रखे हैं। द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग कम्प्लीटली ऑनलाइन, द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटली जो है दोस्तों इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग द काउंसलिंग, यहाँ पर देखिएगा क्या है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग टू नो द ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग प्लीज रीड द डिटेल प्रोसीजर अपलोडेड सेपरेटली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज द एडमिशन सेक्शन। देखिए क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, ये प्रोसीजर क्या होने वाला है टोटल ऑनलाइन का। ऑनलाइन प्रोसीजर दोस्तों सेम वही होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, और जाके आपको फीस सबमिशन होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज होने वाले हैं कि सर आप तो बोले थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर सीट होगा, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, जब आप लोग के पास मेल आएगा फीस पेमेंट करने का तो फीस पेमेंट करने के बाद आप लोग को जो है एक बार अपने डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज विजिट करना होगा। ठीक है, ये आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग और आगे समझिएगा ये क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा All the candidate should check their registered email or admission portal online only. As per the above mentioned schedule, the admission will be given according to merit list. Selection candidate will be received online fees link on their registered email ID on the date of seat allotment. देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करेंगे, सबसे पहले सीट अलॉटमेंट करेंगे उसके बाद से लिंक प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ईमेल जो है आपको आपके जो भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है यानी कि जिनके पास भी आ रखी अलॉटमेंट लेटर उनका सेम डेज में ही मेल आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग ये और समझिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या देखा, ऑनलाइन अलॉटमेंट सीट 30 को ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। ठीक है, उन बच्चों का होगा जिनका कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल वेरीफाइड हो चुका है, पेंडिंग नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग देखिए ऑनलाइन फीस सबमिशन, तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उसके कुछ टाइम बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आपके पास दोस्तों फीस का लिंक भी आ जाएगा। अब आपको दोस्तों फीस पेमेंट करना रहेगा, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा द कैंडिडेट शैल हैव टू पे द फीस ऑनलाइन ऑन द सेम डे रिसिप्ट विद फिलिंग विद सिक्योर एडमिशन। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने फीस अपना पेमेंट कर लिया, आपका अगर फीस पेमेंट हो गया, यहाँ पे समझिए इस बात को, द कैंडिडेट शैल हैव टू पे द फीस ऑनलाइन ऑन द सेम डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ फीस लिंक सिक्योर एडमिशन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने अपने फीस को पेमेंट कर लिया तो आपका एडमिशन जो है दोस्तों वो श्योर हो गया। ठीक है जी, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखिएगा पाँचवें नंबर का पढ़िएगा, द एडमिशन गिवन ऑन द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कम्प्लीटली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द एड कैंडिडेट वेन एवर रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए मैं वही बात कह रहा था आपसे, जब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो प्रोविजनली आपको एडमिशन मिल जाएगा, प्रोविजनली मतलब क्या होता है, आपको जो एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, आपका एडमिशन अभी कन्फर्म नहीं हुआ रहता है, तो एंड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखिए मैं आपको सबसे पहले ही पहले दिन से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कैंडिडेट वेन एवर रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कॉलेज में ले जा करके ही सबमिशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट जिसको हम डीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जब आप फीस पेमेंट कर लोगे उसके बाद आपको जाना पड़ता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने।
ठीक है जी, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग को इसके रिगार्डिंग कॉल आ सकता है। बेसिकली दोस्तों कॉल ही आता है जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, इसके लिए कॉल ही आता है आपको। ठीक है जी, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा नीचे क्या कह रहे हैं। प्लीज़ नोट दैट द एडमिशन विल बी गिवन एज पर द मेरिट एंड वन सीट आर फुल यूनिवर्सिटी मे बी अनाउंस क्लोजर। कहने का मतलब क्या है, मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों पूरी की पूरी जो एडमिशन होती है मेरिट लिस्ट पे होती है, अगर सीट फुल हो जाती है तो एडमिशन जो है वो अपने यूनिवर्सिटी जो है अपने एडमिशन को क्लोज कर देती है। यहाँ पे देखिए, वंस एक्सेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर कोर्सेज विद फीस पे चेंज विल नॉट गारंटीड। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बहुत ही बड़ी बात कही इन लोगों ने, वंस एक्सेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर कोर्स विद फीस पेड चेंज विल नॉट बी गारंटीड। देखिए अगर आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी मतलब एक कोर्स में अगर आप लोगों ने अपने सीट को ले लिया और फीस को पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है अगर आप लोग फिर चेंज करना चाहते हो अपने कोर्स को तो चेंज हो पाए। इसलिए दोस्तों आप लोग ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा, जिस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो उसी के रिगार्डिंग अगर आपको मिलता है कोर्स तभी आप लोग लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। क्योंकि लास्ट में दोस्तों अगर सीट बचती है तो आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है। इस बार अगर मान लीजिए आपका बाय दो तीन, जैसे कहने का मतलब समझिए, बाय दो तीन रैंक से आपका डी फार्मा छूट रहा है, ठीक है, डिफार्मा मिलने से आपको दो तीन रैंक से छूट रहा है और आप लोग डिफार्मा में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो हो सकता है अगली जो राउंड है उसमें डिफार्मा की एक आध दो सीट खाली रह जाती है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेज हैं। लेकिन अगर आप लोग फीस पेमेंट कर दोगे तो आपको एडमिशन मिलने के बिल्कुल चांस नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आप लोग एडमिशन लो या ना लो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ो कि इन्होंने क्या दिया है कि अगर आप लोग एक बार फीस पेमेंट कर देते हो तो अगर आप चाहते हो उसके बाद से अपने कोर्स को चेंज करना तो नहीं हो पाएगा, गारंटी नहीं हो ही पाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी आप देखिए बात कर रहे हैं, द सेकेंड राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल मे बी अनाउंस ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इफ रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी एज पर वैकेंसी। देखिए कहने का मतलब क्या है, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है तभी स्टार्ट होगी अगर यूनिवर्सिटी के पास सीट जो है वैकेंट होती है। तो इतनी सारी की सारी दोस्तों वो प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर में अगर किसी को कोई तरीके का दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं किसी का ऐसा कमेंट है जो नहीं देखता हूँ, कमेंट दोस्तों मैं देखता हूँ तब जाके मैं वीडियो में वो चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक एक का दोस्तों बहुत कमी होता है मैं पर्सनली किसी का कमेंट का रिप्लाई कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी कॉलेज रहता है, कॉलेज को करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछो, या तो आप दोस्तों मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हो। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी कल जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। उससे कल जो है दोस्तों मुझे कॉलेज नहीं जाना है तो कल मैं वीडियो आपको बनाऊंगा और टाइम पे बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।